सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ कि हर दिन ये प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के ऊपर कैसे ट्रेडिंग करना है सक्सेसफुली और हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड पाना है, इसके लिए मैं जो अपलोड करता हूँ इसका सबसे बड़ी एक मकसद है कि जो मेरा फॉलोअर्स है वो लोग का ट्रेडिंग स्किल में कुछ मैं वैल्यू ऐड कर सकूँ। और एक कारण है कि पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रेटेजी जो मैंने खुद डेवलप किया, ये स्ट्रेटेजी सब जाने समझे और इसके ऊपर ट्रेडिंग करे, और इसके लिए मेरा जो फॉलोअर्स है उसका टाइम मैं ज्यादा ना गवा के वेस्ट ना करके कैसे कम टाइम पे वैल्यू ऐड कर सकूं, मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस देता हूं। और इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियोस बनाता हूं ताकि आप लोग इजीली समझ सके और कन्विंस्ड हो सके कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और उतना ही सिंपल है। ये स्ट्रेटेजी अगर आप समझोगे जानोगे तो आपको प्राइस एक्शन विजुअलाइज करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। तो यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन में मैं सिखाने वाला हूँ कैसे ट्रेड मैनेजमेंट करना है। मैं ज्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए मैं बोलता हूँ और उसके ऊपर ही ये मेथड आधारित है। तो इसके लिए मेन जो चीज है वो है पेशेंस। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो ट्रेड मैनेजमेंट में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। और ट्रेड मैनेजमेंट एक सक्सेसफुल ट्रेडर का की स्किल है जिसके द्वारा आप हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड आराम से आप ढूंढ सकते हो और उसी हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो समझेंगे अभी कि पेशेंस का कितना वैल्यू है ट्रेडिंग करते वक्त। तो चलो स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लिया। तो इनिशियली एक बियरिश मूवमेंट चला, तो ये बियरिश मूवमेंट का मैं हाई और लो मार्क कर दूंगा। तो ये मैंने हाई मार्क कर दिया और ये लो मार्क कर दिया। अभी देखो प्राइस इनिशियली तो डाउन साइड में चला था, लेकिन बाद में ये अपसाइड में अच्छा खासा मोमेंटम के साथ ये बाहर आके क्लोजिंग दिया और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हो रहा है। अभी मेन बात है ये रिट्रेसमेंट को समझना। ये अगर समझ पाओगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा एकदम गारंटी के साथ। देखो ये जो टोटल जो रिट्रेसमेंट हुआ था, ये रिट्रेसमेंट को कैसे सात पुश में डिवाइड करना है वो देखो। ये स्किल थोड़ा सीख लो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो ये फर्स्ट बियरिश पुश है, इसका रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये सेकेंड बियरिश पुश मिला। ओके, अभी ये सेकेंड बियरिश पुश का जब 50% के ऊपर ये कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना है कि नहीं भाई ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा था तो मैक्सिमम ए लेवल तक आ पाया, इसके नीचे आने का संभावना बहुत बहुत कम है। और उसके बाद ये छोटा कैंडलस्टिक बना दिया और 50% लेवल के ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया। तो अभी आपका बायसनेस बुलिश होना चाहिए क्योंकि ये एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था, रिसेंट बुलिश ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद उसका ही रिट्रेसमेंट हो रहा था और फिर ये रिट्रेसमेंट खत्म भी हो गया, ये आपको ये सिग्नल मिल गया। अभी क्या करना है, अभी आपका बायसनेस बुलिश साइड है। ओके, अभी ये जो ग्रीन कैंडलस्टिक 50% लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो आपने ये तय कर लिया कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे भी हो सकता है। तो अभी देखो डाउन साइड में ये नेक्स्ट कैंडलस्टिक का ये जब लोअर साइड में जब टच करने का कोशिश किया, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो और नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मान लो आपको ऐसे एक पोजीशन पे बाइंग करने को मिला और आपका स्टॉप लॉस ये कैंडलस्टिक के नीचे है, तो आपका रिस्क इतना छोटा सा है और छोटा होने के कारण से आप ज्यादा क्वांटिटी लेके काम कर सकते हो, ज्यादा क्वांटिटी ले सकते हो। आप अगर ये पोजीशन पे 100 क्वांटिटी लेके काम कर सकता है, तो फिर आपका स्टॉप लॉस अगर ये पोजीशन पे होगा तो ये आप 40 के ऊपर नहीं ले सकते क्वांटिटी, क्योंकि आपका एक रिस्क फिक्स है पार्ट ट्रेड, तो उसी हिसाब से आपको क्वांटिटी कम मिलेगा। इसके लिए बोलता हूँ कि विन रेट ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा मैटर करता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर का, यही मेन खासियत है। तो आप अगर इतना छोटा सा रिस्क लेके अगर आप ट्रेडिंग करोगे, आप इनिशियली ए लेवल टारगेट कर सकते हो। तो देखो ट्रेड लेने से पहले आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ऑलमोस्ट पता चला, तो यहाँ पे आप ट्रेल करते करते जाओ। देखो ये पोजिशन पे जब टेस्ट कर रहा था, तो उस टाइम आप बिना सोचे समझे आप सेल कर सकते हो, ज्यादा ग्रीडी होने का नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपको 1:5:6 ऐसा मिल गया होगा। ओके, अभी देखो ये जो बुलिश पुश दिया उसके बाद ये रिट्रेसमेंट हो रहा था, तो ये टोटल बुलिश पुश का मैंने हाई और लो मार्क कर दिया। तो इतना डिस्टेंस का 50% अगर मैं मार्क कर दिया तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है 50% होता है। तो देखो 50% के नीचे आके ये क्लोजिंग दिया, 2-3 कैंडल क्लोजिंग दे दिया, तो फिर आप क्या सोचोगे, नहीं भाई एक साइडो जोन फॉर्मेशन कर रहा है, वेरी सिंपल। अभी इसके बाद ये जो मूवमेंट है इसको दो पुश में डिवाइड करना है, तो कैसे करोगे, तो फिर ए लेवल से
एक फर्स्ट बियरिश पुश है और इसका रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये आपको एक सेकेंड बियरिश पुश मिला। अब ये सेकेंड बियरिश पुश का 50% के ऊपर आखिर कोई कैंडलस्टिक अगर क्लोजिंग देता है, मान लो ये ग्रीन कैंडल ये अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया तो ये इनकम्प्लीटेड है। अगर मान लो कि इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर मैं क्या समझूंगा कि ज़्यादातर केस ऐसा है कि ये जो लेवल है, ये जो लेटेस्ट पुश है, ये एक साइडवे जोन फॉर्मेशन करने का चांस रहेगा और ये ट्रेंड रिवर्सल का भी साइन है, क्योंकि ये जो बियरिश पुश दे रहा था ये ट्रेंड रिवर्सल होके एक अपसाइड तो ये थ्रस्ट दे सकता है, तो ऐसा मेरा सोच है। अभी नेक्स्ट चार्ट पे चलो, एक्सटेंडेड चार्ट पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये यो पोजीशन था, ये बियरिश मूवमेंट को मैंने दो टुकड़ा किया था। तो देखो ये सेकेंड पुश का 50% लेवल मैंने मार्क कर दिया, तो देखो ये ग्रीन कैंडल 50% के ऊपर आके क्लोजिंग दिया, दो कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया, तो फिर मेरा बायसनेस क्या रहेगा, बाइंग साइड में रहेगा। अभी देखो क्या हुआ, यहाँ पे बहुत अच्छा से ध्यान दो तो आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे एक रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, ये रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होने के बाद जब ये ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ तो आपको बहुत अच्छा से एक इंडिकेशन दिया। कैसे, देखो ये जो बुलिश पुश है, ये जो बुलिश पुश है इसका रिट्रेसमेंट इतना था तो मैक्सिमम ये लेवल तक आ पाया, तो ये जो आपका लेटेस्ट जो पुश है बियरिश पुश, इसका 50% के ऊपर ये ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोजिंग दे दिया यहाँ पे, तो फिर क्या समझना है कि नहीं भाई, ये जो यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट कर रहा था ये मैक्सिमम ए लेवल तक आ पाया, इसके नीचे आने का संभावना बहुत बहुत कम है। और उसके बाद ही देखो कि ये कैंडलस्टिक जब ये डाउन साइड में ऐसा लेवल पे जब वो आया तो आप बिंदास छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, और आपका इनिशियल टारगेट क्या रहता, ये लेवल तक रहता। पॉसिबिलिटी हाई है, प्रोबेबिलिटी लेके ही मैं बात करता हूँ और ये मैं एक्सपीरियंस से ही बोलता हूँ। ओके, तो आपका इतना छोटा सा स्टॉप लॉस रहता, रिस्क रहता, और अपकमिंग रिवार्ड देखो 1:3:4 तो ऐसे ही मिल जाता। इस हिसाब से आपको ऐसे ट्रेड करना है और ऐसे सोचना है। अभी देखो ये जो बियरिश पुश है ये भी इनकम्प्लीटेड एक पुश है, एक अपसाइड मूवमेंट देने का प्रयास किया। अभी देखो तो ये पुश को कैसे विजुअलाइज करना है, तो ये बियरिश पुश को मैं कैसे सब पुश में डिवाइड करूंगा, देख लो एक फर्स्ट बियरिश पुश है, एक फर्स्ट बियरिश पुश है, इसका रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये आपको सेकेंड बियरिश पुश मिला। अभी ये सेकेंड बियरिश पुश का 50% के ऊपर अगर ये कैंडलस्टिक अगर क्लोजिंग देता या नेक्स्ट कैंडलस्टिक क्लोजिंग देता तो फिर क्या समझना है कि नहीं भाई, ये उस टाइम के लिए ये बियरिश मूवमेंट ये लेवल तक आ पाया, उसके बाद एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला और मैक्सिमम ये लेवल पे वो टेस्ट करने का चांस रखेगा, पॉसिबिलिटी हाई कि ये लेवल तक वो आ सकता है। उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है, सोचना है। तो इन शॉर्ट ये जो यहाँ पे जो सिनेरियो हुआ, प्राइस मूवमेंट हो रहा था, इसका मीनिंग क्या है, पहले ये जो ग्रीन कैंडलस्टिक प्रोड्यूस हुआ 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया था यहाँ पे, तो अभी आपको ये बताया कि ये रिट्रेसमेंट खत्म करके एक अपसाइड थ्रस्ट दे सकता है। फिर ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ ये रेड कैंडल के बाद, आपको ये क्लियरली एक इंडिकेशन दिया कि ये लेवल के नीचे आने का संभावना बहुत बहुत कम है, तो देखो ये लेवल के आसपास जब आया प्राइस तो आप बाइंग साइड पे जा सकते थे बिंदास, आपको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता। ये छोटा सा मूवमेंट है लेकिन प्रो ट्रेडर्स के लिए छोटा मूवमेंट या बड़ा मूवमेंट कुछ नहीं रहता है, सिर्फ ट्रेड मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेन फैक्टर रहता है। ओके, वो लोग ऐसे तरीके से सोचता है, तो आप भी वही कोशिश करो कि ऐसे तरीके से सोचना है। और यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये जो ग्रीन कैंडलस्टिक जब ऊपर क्लोजिंग दिया था 50% के ऊपर ये लेटेस्ट पुश का, तब आपको ये समझ में आया कि इसके नीचे आने का संभावना कम है, और ये जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक जब ये लोअर साइड में मूवमेंट दे रहा था तब आप बिंदास आप बाइंग साइड पे जाके बहुत अच्छा खासा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड आपको मिल जाता। और यही मेन चीज है कि जोन ट्रेडिंग इसको बोलते हैं, हाई क्लास जोन ट्रेडिंग इसको बोलते हैं। तो ऐसा बहुत सारा ट्रेडर बोलेगा कि ये प्रिपेयर चार्ट में ऐसा समझाना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। मैं यही मेथड, यही टेक्निक मैं बार बार मैं बोला ताकि आप लोग कन्विंस्ड हो ये स्ट्रेटेजी इतना पावरफुल है बोल के, और कुछ नहीं। तो ये आपका फायदा है, क्योंकि ऑल टाइम अपॉर्चुनिटी ढूंढना है और ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस देना है, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो माइंडसेट
वो ऐसा होना चाहिए कि ट्रेडिंग सेशन में पूरा दिन मैं आज बैठा रहूंगा, मुझे कोई ट्रेड नहीं भी मिल सकता है। क्योंकि ये जो बड़ा बड़ा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होगा तो आप कहाँ पे बाई या सेल करोगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे? जब आपको उसी हिसाब से समझ में आ रहा है कि मैं स्टॉप लॉस ए लेवल पे लगा सकता हूँ और उसका नजदीक जब प्राइस मूवमेंट कर रहा है तो उसी हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग करो, मेरा सलाह यही है, तो आपका ट्रेडिंग स्किल बहुत इम्प्लीमेंट होगा। और ऐसे ही मैं छोटा छोटा प्रेजेंटेशन में मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा और समझाऊंगा, तो थोड़ा बने रहना तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और अच्छे लगे तो लाइक कर देना है। तो चलो, हरे कृष्णा।